والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں، ملت اسلامی کے نوجوان ساتھیوں، پردانشی خواتین، پیارے بچوں، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع پردہ فطرت نسواں بھی ہے اور تقاضائے اسلام بھی. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر پردہ لٹکا لیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. عورت کے لیے پردے کا حکم اللہ کی بخشش اور رحمت کا سبب ہے. چنانچہ پردہ عورتوں کے لیے شان افتخار ہے، نہ کہ قید و بند کا سامان. اللہ سبحانہ و تعالی سب سے نیک اور پاکیزہ بندوں کو قرآن میں یہ حکم دیا جو کہ صحابہ ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کر، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. سورۃ الاحزاب. اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں. اس کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے اپنے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے، پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مسلمان گھرانوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہو گیا کہ باہر کے لوگ اندر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے اور اندر کے لوگ باہر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے. معزز سامعین، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اسی طرح دھیرے دھیرے احکامات نازل ہوتے رہے، جن میں عورت کی بنیادی ذمہ داری، گھر کے اندر کے کام اور نئی نسلوں کی تربیت، تحریک اور
बैरूनी यानी घर के बाहर की जिंदगी की मशक्कतों का जिम्मेदार मर्द को बनाया गया। माज़ा सामीन, पर्दा हिजाब महज सर पर रखे जाने वाले डेढ़ गज कपड़े का नाम नहीं है, बल्कि ये अहकाम का एक मजमुआ है जिनमें निगाहें नीची रखने से लेकर घर से बाहर और घर के अंदर के तमाम पर्दे की तफसीलात के साथ साथ आवाज और खुशबू से मुतालिक अहकाम भी शामिल है। पर्दा ये इस्लाम के उस निजाम इफ्फत और इस्मत का नाम है जो न सिर्फ घर और समाज को पाकीज़गी बख्शता है बल्कि औरत को बेशुमार इज्जत और तौकीर अता करता है, खानदानों को मजबूत और मुस्तहकम करता है और बाहमी एतिमाद की बहाली के जरिए मोहब्बतों में और मिठास पैदा करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत के सत्र के हुदूद बयान करते हुए आपने फरमाया, किसी औरत के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो, यह हरगिज जायज नहीं है कि वो अपने जिस्म में कुछ जाहिर करे सिवाय चेहरे और हथेली के। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, आप फरमाया करते थे, औरतों को ऐसे कपड़े ना पहनाओ जो जिस्म पर इस तरह चुस्त हो के सारे जिस्म की साख्त तो हैअत नुमाया हो। माज़ा सामीन, पर्दा औरत के लिए बोझ नहीं है जिसके नीचे मुसलमान औरत दबी हुई है, बल्कि पर्दा मुसलमानों के अकायद का आईनादार, इस्लामी शियार और मुसलमान औरतों की पहचान है। पर्दा न सिर्फ जिस्म को गर्द आलूद होने से बचाता है बल्कि सामने वाले की गंदी सोच और शर पसंद आंखों की शरारत से महफूज रखता है, शर्म हया के मजबूत किले में कैद करके पर्दा औरत की हिफाजत करता है। पर्दा हिजाब एक सीपी है जो शरीफ और पाकीजा औरत को एक मोती की तरह अपने अंदर छुपाकर आंखों को हया और दिलों को ईमान का सुरूर बख्शता है। और सही बात यही है कि हुस्न खूबसूरती जिस्मों को नुमाया करने से नहीं आती बल्कि हकीकी हुस्न और हकीकी खूबसूरती इंसान के अंदर तकवा और परहेजगारी से पैदा होती है। माज़ा सामईन, आजकल पर्दे को लेकर एतराज किया जाता है कि हिजाब की वजह से ताजा हवा ना मिलने से औरतों की सेहत खराब होती है। ऐसा जो कहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में और दुकानों में काम करने वाले मर्दों को
ताजा हवा कहां से मिलती है? हकीकत यह है कि आज मर्द और औरत दोनों की सेहतें खराब हैं। इसकी बड़ी वजह ग़िज़ा की कमी, गुर्बत और वो जिंसी हैजान है जो चारों तरफ से बेपर्दगी और बेहयाई की वजह से फैली हुई और कुछ आजाद ख्याल लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल पर्दा तो दिल का होता है। अगर औरत का दिल साफ और नीयत दुरुस्त है तो उसे पर्दे की क्या जरूरत। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर बात सिर्फ दिली जज्बात और रूह की है तो ये बात याद रखिए, नमाज की रूह आजिजी व इंकिसारी है, रोजा की असल रूह तकवा है, कुर्बानी का असल मकसद जज्बा ईसार व कुर्बानी है और ऐसे ही हज का हकीकी मुद्दा जहनी इनकलाब है तो क्या इन इबादात की जाहिरी शक्लों को खत्म कर दिया जाए? फिर ये कैसी नेक नियति हो सकती है जो आमाल से जाहिर नहीं होती? अगर औरत के दिल में पर्दा है और सर से पांव तक बेपर्दा है तो ऐसा दिल और ऐसा पर्दा उन्हीं लोगों को मुबारक जो इस किस्म की बातें करते हैं। बाज़ सामईन, अल्लाह सुबहानहु तआला का दीन इतना बेहतरीन है कि वो ये भी पसंद नहीं करता कि औरतें ऐसी खुशबू लगाकर बाहर निकलें जो बाईस से कशिश हो या ऐसा जेवर पहनकर निकलें जिसकी झनकार गैर मर्दों को मुतवज्जह करे। याद रखिए, एक मोमिन अल्लाह के अहकाम का पूरी तरह पाबंद होता है, वो ना करने का उज्र तलाश नहीं करता। उज्र तलाश करने की ये जो गंदी सिफत है ये मुनाफिकीन की सिफत है, फासिकीन की सिफत है। मुसलमान इस बात को खूब अच्छी तरह जानता है कि अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी में उसके लिए खैर ही खैर और नाफरमानी में आखिरत का अजाब भी है और दुनिया की जिल्लत और रुसवाई भी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आलमी सतह पर पर्दे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, बहुत हद तक लोग कामयाब भी होते नजर आ रहे, मगर साथ ही साथ कुछ गयूर बागीरत मुस्लिम खवातीन ने अपने आमाल और किरदार और पर्दे में रहकर बेहतरीन कामयाबी से इन शर पसंदों को काफी हद तक नाकाम भी किया। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले श्रीलंका में बुर्का की पाबंदी पर हिंदुस्तान में भी तरह तरह की बातें शुरू हो गई थी। एक लीडर ने अपने एक बेसरो पैर बयान में कहा था, रावण की लंका में बुर्का पर पाबंदी हो गई, राम की अयोध्या में कब होगा?
और हाल ही में कर्नाटक में जो वाकया पेश आया है, ये भी हमें ये बताता है कि इस किस्म के नारे कोई भी करे, हिंदुस्तान जैसे समाज में इसको कानूनी शक्ल देना मुमकिन नहीं है। तो फिर ऐसे नारों से इन लोगों की मुराद क्या होती है? ये अपनी शोहरत चाहते हैं और अपना उल्लू इस किस्म के बयानात से, शर अंगेज फितनों से सीधा करना चाहते हैं और अपना फायदा ही उठाना चाहते हैं। मुआज़्ज़ज़ सामईन, ये जो पोशाक पर पाबंदी की बात जो भी लोग करते हैं, क्या ये तय करेंगे कि इंसान को क्या पहनना है? अगर कपड़े का एक टुकड़ा इनकी नजर में कसूरवार है, तो ऐसा कौन सा समाज है जिसकी तमाम तर रस्में बिल्कुल दुरुस्त हैं? अगर आज बुर्के पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, तो यकीनन कल साड़ी और घूंघट पर भी सियासत हो सकती है। और ऐसे ही किसी सरफरे का सलवार पर भी, सूट पर भी एतराज हो सकता है। और दूसरी बात ये कि इन लोगों को या हुकूमतों को किसने हमारे ख्वाहिशों का मालिक बना दिया? हम एक जमहूरी मुल्क में जहां सबको अपने बुनियादी हकूक हासिल हैं, लीडरान की पसंद और नापसंद के ताबे होकर गुलामाना जिंदगी बसर करें? नहीं, हरगिज नहीं। ये तो सरासर जमहूरी कदरों के खिलाफ भी है और इंसानियत के खिलाफ भी, क्योंकि अगर हुकूमत तय करेंगी कि हमारी थाली में क्या परोसा जाए, हम अपने जिस्म को किन कपड़ों से ढकें और हम अपने कमरों की अलमारियों को किन किताबों से सजाएं, तो ये तय करना मुश्किल होगा कि इस तय करने की हद क्या हो सकती है। मुआज़्ज़ज़ सामईन, मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है कि नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मर्तबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर मुबारक पर हाजिर हुए। उम्महातुल मुमिनीन, मुमिनों की माए हज़रत उम्मे सलमा और मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हुमा वहां मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से फरमाया कि इनसे पर्दा करो। तो वो बोल पड़ी, या रसूलल्लाह, ये तो नाबीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो अंधी नहीं हो। गौर कीजिए, एक नाबीना इंसान से, वो भी कैरुल खुरून, जिनके ताल्लुक से सूरह अबसा नाजिल हुई है और कुरान में कई सारी आयतें नाजिल हुई, औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो जिनकी बीनाई सही सलामत है, जो मर्द देख सकते हैं, और खासकर आज के जमाने के जो मर्द हजरात हैं,
उनसे पर्दा करने का हुक्म किस कदर अहम और जरूरी हो। इसके अलावा और भी बेशुमार अहादीस मौजूद हैं जो पर्दे के वाजिब होने पर दलालत करती है। इन सब के बावजूद अगर हम खैरुल खुरून जैसे पाकीजा दौर पर सिर्फ एक सरसरी नजर डालें तो बहुत से वाकयात ऐसे हमें मिलेंगे जो सहाबा के पर्दे के एहतमाम की इत्तला हमें देते। चुनांचे एक सहाबिया का लड़का शहीद हो गया तो वो नकाब पहनकर खिदमत में हाजिर। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, बेटे का हाल पूछने के लिए आई हो और वो भी नकाब पहनकर। उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे को खोया है, शर्म हया को नहीं खोया। सुभान अल्लाह। जरा इस वाकये में गौर करना चाहिए कि इंतहाई गम और परेशानी की हालत में भी पर्दे का हुक्म उनके हाथ से नहीं छूटा और हम हैं कि सिर्फ महज और महज ख्वाहिशात की तकमील के लिए सर से हम बेपर्दा हो जाते। और सहाबियात का हाल बयान करते हुए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि औरतें फज्र की नमाज के लिए मस्जिद नबवी में शरीक होती थी, वो चादरों में लपटी हुई थी, नमाज के बाद मस्जिद से निकलकर घरों को लौटती थी, कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। इस रिवायत से बात वाजे होती है कि चेहरा समेत पूरे जिस्म के पर्दे को यहां इस हदीस में बयान किया गया। सहाबा और सहाबियात के एहतियात की एक और झलक ये भी है कि एक बार हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा के रिदाई चचा अफलाह मुलाकात के लिए आए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पर्दे का एहतमाम किया और उनसे मिलने से इनकार कर दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया बताया तो आपने मसला बताते ही भी फरमाया, वो तुम्हारे रिदाई चचा हैं, तुम उनसे मुलाकात कर सकती। तुम आज़ाद सामईन, औरत अपनी जात और हकीकत के एतबार से एक मस्तूर और महजूब चीज है, जैसा कि सरी अहादीस नबविया में इसकी ताईद जो है आई। अकल और कयास का तकाजा भी यही है कि कीमती चीज को छुपा कर रखना चाहिए ताकि उन्हें सड़कों पर बरसरे आम ना निकाला जाए और लोग उनसे मुस्तफीद ना हो। और यही वजह है इस्लाम ने औरत को इनफरादी नमाज तक में याद रखी। कोई बाहर की दुनिया की बात नहीं हो रही, औरत जमात की नमाज भी नहीं पढ़ रही, इनफरादी नमाज तक में इस्लाम ने सत्र और हिजाब की हैअतों को तजवीज किया। लेकिन कुर्बान जाइए दौरे नबुव्वत पर कि उनका पर्दा और बुर्का आज की तरह फैशनेबल उकसाने वाला नहीं था बल्कि सीधा सादा और कुशादा बुर्का और पर्दा होता था, जिसकी वजह से औरत सर से लेकर पांव तक ढकी छुपी रहती थी और उनकी इफ्फत और हया और पर्दा सब पूरी इंसानियत के लिए मिसाल और लायक तकलीद था।
अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहनों का हिजाब भी हिजाब शरई हो, तो इसमें इन शर्तों को लिहाज, इन शर्तों का लिहाज रखना जो है बेहद जरूरी। एक बुरका के तौर पर जो हम पहनते हैं वो पूरे जिस्म के लिए ढकने वाला हो, मोटा हो, कुशादा हो, तंग ना हो, नकाब जीनत को जाहिर करने के लिए ना हो, खुशबू ना लगाया जाए, मर्दों जैसा लिबास ना हो, गैर मुस्लिमों के जो लिबास होते हैं उससे मुशाबहत ना हो, और इससे शोहरत और दिखावा मकसूद ना हो। ये शर्तें अगर हमारे पर्दे में और हिजाब में पाई जाती हैं तभी जाकर हमारा हिजाब और पर्दा इस्लामी कहलाता है। माज़ा सामईन, याद रखें कि पर्दे में रहकर ही औरत को अपनी जात के इम्कानात को समझने का मौका मिलता है, घर के माहौल में वो समाजी खराबियों से महफूज रखकर खानदान की तामीर का फर्ज अदा कर सकती, जो कि माशरे की बुनियादी इकाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर में वो एक सुई के साथ आइंदा नस्ल की तरबियत का अहम फरीजा अंजाम देती। इसके बरखिलाफ जब पर्दे से बाहर आ जाती है तो जीब व जीनत, नुमाइश और बेबाकी, बेहयाई और जहनी परागंदगी का शिकार हो जाती है। चुनांचे ये फितरी उसूल है कि औरत के जाती जौहर खलबत में खुलते हैं, जलवत में नहीं। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने कहा, रुस्वा किया इस दौर को जलवत की हवस ने, रोशन है निगाह आईना, दिल है मुकद्दर, बढ़ जाता है जब ज़ौक़े नजर अपनी हदों से, हो जाते हैं अफकार परागंदा व अबतर, खलवत में खुदी होती है खुदगीर, व लेकिन खलवत नहीं अब दियर व हरम में भी मुयस्सर। माज़ा सामईन, यकीनन औरतों के लिए तालीम भी जरूरी है, लेकिन इन इस तालीम का निसाब ऐसा होना चाहिए जो औरत को उसके अपने फराइज और उसकी सलाहियतों से आगाह करे और उसकी बुनियादें दीन के आलमगीर उसूलों पर होनी चाहिए। सिर्फ दुनियावी तालीम और इसी किस्म की तालीम जो औरत को बिल्कुल जानवरों जैसी आजादी की तरफ रागिब करती है, भयानक नताइज की हामिल हो सकती है। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तहजीब फिरंगी है अगर मर्ग उमूमत है हजरत इंसान के लिए इसका समर मौत, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नजर, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत, बेगाना रहे दी से अगर मदरसे जन है इश्को मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। माज़ा सामईन, औरत की अजमत का राज उसके फर्ज उमूमियत में पोशीदा है। मुआशरती समाजी जिंदगी में माँ को मरकजी हैसियत हासिल है। दुनिया की तमाम सरगर्मियों की असल माँ की जात है और इसी की गोद में दुनिया के इनकलाबात परवरिश पाते हैं। इसीलिए माँ की हस्ती को किसी कौम के लिए सबसे ज्यादा कीमती सामान कहा गया।
जो कौमें अपनी माओं की कदर नहीं करती उसका निजाम इस दुनिया से बहुत जल्द जो है बिखर कर रह जाता है। तो मुआज़्ज़ज़ सामईन, मुख्तसर अंदाज में आखिर में एक दो बातें जिक्र करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो ये कि जब किसी के घर लड़का या लड़की होती है तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? ग़िज़ा दी जाती है या कोई और चीज? यकीनन सबसे पहले, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ बच्चा हो, कपड़ा दिया जाता है, उसके तन को ढका जाता है। क्या इसमें कोई इख्तिलाफ है? लेकिन जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है, लिबास जिसको अल्लाह सुबहाना हो ताला ने तन ढाकने के लिए दिया है, उसी लिबास को कम करते हुए बिल आखिर वो पर्दे को अलविदा कह देता है। बल्कि औरत की आजादी वो यही बताता है कि वो बिल्कुल लिबास से परे होकर घूमे, या उसके मन में जैसा लिबास आए वो पहने, ऐसी सोच को और ऐसी आदत आतंबर को, रस्म रिवाज को आजादी का नाम देता है। तो माज़ा सामईन, एक छोटे से वाक्य से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा ताकि इस पर्दे की अहमियत हमें समझ में आए। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी जिनकी डिमांड ये थी कि वो शादी करेंगी तो उसी से करेंगी जो उन्हें बापर्दा रखेगा। क्योंकि आपको मालूम है हमारे समाज में भी कई लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले बापर्दा होती हैं, शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल वालों की जबरदस्ती की वजह से या दीगर मशगूलियात की वजह से पर्दा उनको छोड़ना पड़ता है। वो राजी होकर या जबरदस्ती। तो बताने का मकसद यह है, एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है, दोनों की शादी हो जाती है, वक्त गुजरता रहता है, यहां तक के एक बेटा उनका हो जाता है। एक दिन शौहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूं, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है जिससे वक्त का जिया होता है, तुम मुझे खाना खेतों में पहुंचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है, वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शौहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। अगर तुम हाथ बटाना चाहती हो तो ये पर्दे के जो अहकामात हैं इसकी पाबंदी तुम नहीं कर सकती, तो इस पर्दे को छोड़ो और मेरे साथ खेतों में काम करने में हाथ बढ़ाओ। तो वो पूरे पर्दे को छोड़कर नीम पर्दे तक पहुंच जाती और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर उसको बहलाते फुसलाते पूरी बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता जाता है, यहां तक के औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शोहर हंसने लगता है तो वो पूछती है सबब क्या है। शोहर कहता है कि तू बड़ा पर्दा पर पर्दा करती थी और तेरा डिमांड था कि पर्दा करवाने वाले से ही शादी करेगी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया, तेरे इस पर्दे से क्या फर्क पड़ा?
पर्दे और नापर्दगी में, दोनों में तेरी जिंदगी एक सा जो है कट रही है। जिंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है जैसे पहले गुजर रही थी। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें समझाती हूं, तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती। शौहर कमरे में छुप जाता है, औरत अपने घर में अंदर अपने बाल बिखेर कर रोना पीटना शुरू कर देती। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है, ऐसे ही झूठ बता देती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर वालिद ने आपको मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं, और वो समझा बुझाकर वहां से चला जाता। औरत फिर से रोने लगती है और दूसरे बेटे को बुलाकर उसको बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा। तो दूसरा बेटा, उसको गुस्सा आता है, वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझाकर चुप करवा के चला जाता। आखिरकार औरत यही किस्म का ड्रामा या एक्टिंग आप कह सकते हैं छोटे बेटे के साथ भी करती। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खैर लेता, खबर लेता। तीनों निकल जाते हैं। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला जो लड़का था मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ था, तो उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा लड़का नीम आधे पर्दे के जमाने में पैदा हुआ, तो तेरी उसने आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के जमाने में हुआ है, तो वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने के लिए निकला है। तो माज़ा सामईन, अगरचे के ये वाकया ख्याली है, लेकिन याद रखें कि माएं जितने ऊंची ख्यालात की होती हैं, जितनी पाकीज़ा ख्यालात की होती हैं और जितनी बापर्दगी के साथ जिंदगी गुजारती हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही परवान चढ़ते हैं, वैसी ही सोच उनकी बच्चों में भी आती है, वही पाकीज़गी, वही इज्जत और वही जो है खुश उसलूबी बच्चों में भी जो है अल्लाह सुबहाना व तआला डालते हैं। चुनांचे हमें चाहिए कि हम पर्दे की इस अहमियत को समझें और हमारे खुद घराने में औरतों के ताल्लुक से पर्दे का एहतमाम और उसकी तालीमात और दीन के जो अहम तालीमात हैं उसके ताल्लुक से भी हम कहते रहें। और साथ ही माज़ा सामईन ये भी याद रखें कि इस पर्दे के ताल्लुक से जो कुछ बातें आज मैंने आपके हवाले की है, यकीनन एक औरत को चाहिए था कि वो ये बातें अपने साथ औरतों को बताती, मर्द को नहीं, क्योंकि औरत की बात औरतों के लिए ज्यादा असर अंदाज हो सकती है, वो औरतों का दुखड़ा दर्द जो है वो ज्यादा समझ सकती है। तो हमारे घरानों में जो आलिमात हैं, जो फाजिलात हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उनको औरतों की तरबियत के लिए अलग से एक एहतिमाम जो है जरूर करना चाहिए। जब भी जाकर हमारे घरानों में दीनी बेदारी आ सकती है और पर्दे को हम सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं बल्कि हमारे अकीदे की पहचान भी हम मानेंगे, मान सकते हैं। अल्लाह सुबहाना तआला की रज़ा से दुआ है कि जो भी बातें कही और सुनी गई हैं उन बातों में हकीकी और सच्ची बातों को, हक पर मबनी बातों को अल्लाह सुबहाना तआला अमल करने की तौफीक हम सबको अता फरमाए। और अगर बातों के दरमियान कुछ खता और लफ्जिश अगर वाकई हुई है तो अल्लाह सुबहाना तआला की जात से मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह सुबहाना तआला हमारी इस लफ्जिश को, इस भूल को अल्लाह माफ़ फरमाए और अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक कहने वाले मुझको और मेरे अहले खाना को, सुनने वाले आपको और आप सबके अहले खाना को
हम सब को अल्लाह सुभान व तआला फरमाए। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।